नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो, हमेशा मौके को क्यों छोड़ रहे हो, जबकि आप यह बात जानते हैं कि दुख और सुख जीवन काल के दो भाई हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन काल में लगातार चलते रहते हैं। जब घरों की शुभ स्थिति होती है तब हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, और जब ग्रहों में अशुभ पद्धति का निर्माण होता है तब हमें संभल कर रहने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, आप इन सभी बातों से क्यों अपरिचित रह जाते हैं? जी दोस्तों, आप हमेशा जब अच्छे मौके हैं उनमें भूल कर देते हैं और फिर आप अपने नसीब को कोसते हैं। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। क्यों दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको हम जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल से अवगत कराने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, बशर्ते अब आपको अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही शांत होकर देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में ग्रहों की स्थिति में बहुत ही बड़ा अनोखा बदलाव होने वाले हैं, जो कि चार ग्रहों की स्थिति आपके लिए शुभ है और उनमें एक ग्रह राहु आपके लिए अशुभ स्थिति का निर्माण कर रहा है। यानी कि दोस्तों, लाभ का पलड़ा कल से 9 दिनों तक आपके ऊपर भारी रहने वाले हैं, और दोस्तों राहु की वजह से आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना होगा, जो कि दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी में फिर से चांदी ही चांदी होगी। जीवनकाल में जो भी संकट समस्याएँ हैं वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा आप सभी से बस यही निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इनमें हम यह बात करेंगे कि कल से आने वाले 9 दिनों तक आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है, साथ ही कल से आने वाले 9 दिनों तक आपको कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलेंगी, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके नसीब में होने वाले हैं, साथ ही कौन कौन से कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शायद दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, पारिजन और आर्थिक स्थिति सभी के बारे में बहुत ही गंभीर तरीके से बात करने वाले हैं। कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी महत्वपूर्ण सावधानी रखनी है, जो कि दोस्तों जानना आपके लिए बेहद ही खास है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं उससे पहले दोस्तों जो भी माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के सच्चे परम भक्त हैं। दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि आप सभी के जीवन काल पर बनेंगे, और जो दुश्मन आपके ऊपर हंसते हैं, जो कष्ट देने का प्रयास करते हैं दोस्तों, उनको दंड ईश्वर जरूर देंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से आने वाले 9 दिनों तक शुक्र और गुरु की जो स्थिति है आपके लिए बिल्कुल ही लाभ के भाव को दर्शा रही है, जिनमें दोस्तों लाभ के नए मौके तो आपके जीवन काल में खुलेंगे, साथ ही कुछ ऐसे बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है जिन्हें जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे, और जिन्हें अगर आप समझ लेंगे तो दोस्तों आपका पूरा इतिहास बदल जाएगा। जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं दोस्तों, इन सभी से आपको मुक्ति मिलकर जीवन काल में फिर से वही खुशियाँ दौड़ने वाली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें जो सूर्य की स्थिति होगी बहुत ही अच्छी है, और दोस्तों आने वाले 9 दिनों तक जो चंद्रमा का परिवर्तन होगा बिल्कुल ही आपके लिए लाभकारी स्थिति में रहने वाली है। परंतु दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें जो राहु का थोड़ा सा प्रभाव है आपकी कुंडली में थोड़ा सा विकट परिस्थिति का निर्माण कर सकता है, यानी कि दोस्तों आपके जीवन काल में जो शत्रु है उनको यह उकसा सकते हैं, आपको भड़काने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए। तो दोस्तों, इसमें आपको शत्रुओं से बचने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली, हर एक कदम पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और हर एक कदम पर आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है, जो कि दोस्तों आपको जानना है और जानबूझकर ही कार्य करना है। तो ये दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आगे वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। तो ये दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, यश में आय और व्यय की समानता बनी रहेगी। अगर स्थान परिवर्तन समय कोई योजना बन रही है तो दोस्तों उससे संबंधित काम बनने की उचित संभावना बन रही है। यह समय सोच विचार तथा आत्मनिरीक्षण करने का उचित समय होगा। आप अपनी कार्यकुशलता व फिर समझदारी द्वारा सुखद परिणाम भी हासिल करने में यह समय सक्षम रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय
अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कोई भी निर्णय तुरंत लेने का प्रयास करें, अन्यथा समय जो है आपके हाथ से निकल सकता है। भाइयों के साथ किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना होने दें, अन्यथा इसका नकारात्मक प्रभाव घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस बात के यश में आप ध्यान रखें और अहम को अपने ऊपर हावी न होने दें, ये आपके लिए यश में नुकसानदायक होंगे। और इसके उपरांत यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपके मिले हुए नए अवसर का फायदा आप उठा भी पाएंगे, बशर्ते आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी, कार्यों पर लगन रखने की आवश्यकता होगी। आपका अध्यात्म की तरफ जो झुकाव है यश में बढ़ सकता है। पैसे की आवक बनी रहेगी। आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों के साथ आप अपने विचार बांट सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ अधिक वक्त बिताने की आप यश में कोशिश करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यश में किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी तथा कुछ पुरानी स्मृतियां भी ताजी होंगी। आपको बता दें कि समय भाग्योदय कारक होगा। अगर कोर्ट के संबंधी कोई भी मसला चल रहा है तो दोस्तों यश में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रह सकती है। साथ ही दोस्तों यश में किसी को बिन मांगे सलाह ना दें, अन्यथा इसका खमियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इस बात पर गौर करें। अपने गुस्से पर भी आपको काबू रखना होगा। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए बाहरी गतिविधियों तथा मेल जोल से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे। संतान की किसी समस्या में आपका सहयोग उनके लिए लाभदायक रहेगा, तो इन पर जरूर ध्यान दें। और यश में दोस्तों आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपको मिली हुई प्रगति की वजह से परिवार के सभी व्यक्तियों को गर्व महसूस होगा। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूकता भी दिखाएंगे। आपसे छोटे व्यक्तियों को आपके मार्गदर्शन की सहायता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में कई प्रकार की लाभदायक व फिर खुशी भरी परिस्थितियां बन रही है। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें तथा पूरी ऊर्जा एकत्रित करके अपने कामों पर ध्यान लगाएं। दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का निवारण होने से घर परिवार में खुशी और फिर सुकून भरा माहौल रहेगा। बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रतिबंध न लगाएं, इसे दोस्तों उनके मनोबल में कमी आ सकती है। नकारात्मक बातों को अपने ऊपर यश में हावी न होने दें तथा समझदारी और फिर शांति से काम लें। गुस्से और फिर जल्दबाजी से परेशानियों और भी बिगड़ सकती है, तो इस बात पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको नई बातें सीखने की आवश्यकता भी होगी। जीवन भले ही अभी आपको स्थिरता महसूस हो रही है, लेकिन आर्थिक प्रगति एक जैसी ही रहने के कारण भविष्य में आपको इस बात का तकलीफ भी हो सकती है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दें यश में ग्रह स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, जो कि आपको परिस्थितियों से जूझने में शक्ति प्रदान कर रही है। कोई पॉलिसी अथवा आदि मैच्योर होने के कारण धन संबंधी कुछ योजनाएं भी बनेंगी। दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपने कार्य प्रणाली पर विश्वास रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके साथ दोस्तों यश में अपने व्यवहार में लचीलापन जरूरी है। किसी बात पर ज्यादा जिद्दी होने के कारण निर्णय उलझ सकते हैं, तो इस बात पर ध्यान दें। साथी दोस्तों यश में दिखावे की प्रवृत्ति के कारण बिना सूझे समझे फिजूल खर्ची ना करें। साथी आपको बता दें कि काम की अधिकता का बोझ आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपका अधिकतर वक्त केवल आपके विचार और आलस में भी बीत सकता है। आपको अपनी क्षमता को पूरी तरह से आजमाने की कोशिश करनी होगी। अपने व्यक्तित्व गुणों से आप लोगों के साथ अच्छे संबंध भी बना सकते हैं, इसलिए इस बात का फायदा अपने काम के लिए करने की आप कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में आपको अपने द्वारा की गई मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे, परंतु किसी अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कोई नुकसान होने की आशंका भी बन रही है। दोस्तों यश में कोई रुका हुआ सरकारी काम किसी राजनीतिक व्यक्ति की मदद से हल भी हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में यश में कुछ महत्वपूर्ण मौके भी आपको प्राप्त होंगे, तो दोस्तों सभी काम स्वयं ही व्यवस्थित करने का प्रयास करें, अन्यथा दोस्तों आपके द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय कोई और भी ले सकता है। दोस्तों यश में बाहरी संपर्कों से भी बिजनेस मिलने की संभावना बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय गतिविधियों में पिछले कुछ समय से जो भी गलतियां थी उनमें सुधार आ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी स्थिति समान ही रहेंगी। लाभ के स्रोत भी बनेंगे परंतु मंदी गति से। नौकरी सेवारत व्यक्तियों को भी अपना टारगेट पूरा करने से उन्हें प्रोत्साहन भी यश में मिल सकता है।
इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश में व्यवसाय में कार्यों में कुछ रुकावटें भी आ सकती है, परंतु दोस्तों कुछ समय के बाद परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी से संबंधित कार्यों में स्थिरता रहेगी और जल्दी ही इसमें तरक्की के योग भी बनेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी अगर लव लाइफ की बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के बीच अहम का टकराव आ सकता है, जिसका असर घर की अस्वस्थता पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि दोस्तों अपने स्वभाव को समित रखें, इनसे आपके घर के व्यवस्था में सुधार आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे आपको बता दें, घर तथा व्यवसाय दोनों जगहों पर उचित सामंजस्य बना रहेगा। शादी परिवार का कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके मार्गदर्शन से पूरा हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों पारिवारिक वातावरण यश में खुशनुमा बनाने के लिए एक साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनाएं, इससे दोस्तों परिवार में वापस सकारात्मक माहौल बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश में प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां आने वाली है तथा घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का उचित सम्मान करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपकी सेहत की, तो दोस्तों यश में काम के बीच बीच में आराम भी आप लेते रहें। यश में सिरदर्द व माइग्रेन की परेशानी भी आपको हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें, ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज लोग अपना विशेष ध्यान रखें तथा सर्दी से अपना उचित बचाव रखना यश में आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप सावधानी को रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु तरल पदार्थों का सेवन यश में उचित मात्रा में करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होगी। और इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि वर्तमान नकारात्मक प्रवृत्तियों तथा सर्दी से अपना बचाव जरूर रखें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना यश में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगी। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा ऑरेंज और भाग्यशाली अंक रहेगा 1।